हाय एवरीवन दिस इज़ बिरानिका आज हम आ, किस रिपोर्ट की बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड है गरीबी से रिलेटेड है इसको डिटेल में जानेंगे आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल वरानिका आंट्रेस को यूपीएससी जहाँ पर आप मुझसे पी के लिए कनेक्ट कर सकते हैं क्रक्स जान लीजिए इस पूरी रिपोर्ट का कि वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि सेवेंटी मिलियन लोग जो हैं वो पवर्टी में गरीबी में धकेले गए हैं दो में तो इंडिया के लिए किस वजह से हुए और अदरवाइज ग्लोबली भी आप देखेंगे तो पॉवर्टी आपकी इंक्रीज हुई है तो इस रिपोर्ट का एक वन लाइन क्रक्स आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कि 2030 तक हमारे गोल्स थे कि हमको पावर्टी से लोगों को बाहर निकालना है गरीबी से बाहर निकालना है ले। लेकिन हमारे ये सारे एफ़र्ट्स बहुत डिले हो गए स्लो हो गए क्यों क्योंकि बीच में कोविड आ गया और कोविड की वजह से बहुत से लोग जो गरीबी से बाहर निकल रहे थे अब धीरे धीरे हर चीज़ बेहतर हो रही थी वो फिर से वहीं जाके अटक गई और इनफैक्ट और ज़्यादा खराब हो गई और इंडिया के लिए भी यही केस हमने देखा कि और यहाँ पर इस रिपोर्ट में इन्होंने कंपेयर किया है बाकी सारा आपका फैक्चुअल डेटा है जो आपको जानना है बट द the... बॉटम लाइन इज दिस दैट जो हमारे गोल्स थे जो हमने 2030 तक अचीव करने थे वो स्लो डाउन हो गए बिकॉज ऑफ पवर्टी सॉरी बिकॉज ऑफ कोविड और लोग गरीबी में धकेले गए तो अब एक एक करके हम ये स्लाइड्स देख लेते हैं कि डेटा क्या बताता है अब ये रिपोर्ट याद रखना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और इसका टाइटल है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी टू करेक्टिंग कोर्स तो कोविड पैंडमिक को यहां पे जिम्मेदार बताया गया है कि बिगेस्ट सेटबैक जो रहा है ग्लोबल पॉवर्टी का ग्लोबल है तो उसमें इंडिया भी आएगा और साथ में इस रिपोर्ट में इंडिया के बारे में यह भी कहा है कि हमारे पास ना प्रॉपर डेटा भी नहीं है इस टाइम पे एक तो हमारा पॉपुलेशन साइज बहुत है 2011 के बाद हमारे पास कोई नया डेटा है नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जगह से डेटा लिया जो गैप को फिल करता है क्योंकि इंडिया का डेटा होना ग्लोबल पॉवर्टी को अगर आपको बताना है तो बहुत मैटर करता है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है तो अगर आप इंडिया को छोड़ के बाकी ग्लोब की बात करेंगे सो यू आर एक्चुअली नॉट टॉकिंग अबाउट ग्लोबल पॉपुलेशन देन सो इंडिया का डेटा होना और इंडिया ने अभी पीछे एक्चुअली एक सर्वे भी किया था लेकिन वो डेटा इन्होंने आउट नहीं किया पब्लिक में क्योंकि श्योरिटी नहीं थी कि वो सैम्पल साइज कितना लिया गया है वो डेटा एक्यूरेट है या नहीं है तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आज, आज आपको डिस्कस करने को मिलेंगी देखिए वर्ल्ड इज़ अनलाइकली टू मीट गोल ऑफ एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि हमने कहा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को गोल टारगेट रखा गया था कि 2030 में हमको ख़त्म करना है लेकिन फाइनली अब ऐसा नहीं हो रहा है अब इस रिपोर्ट में हमको क्या क्या पता चला है कि आ, एक तो ये चीज़ आप लिखेंगे 2030 वाला गोल अचीव नहीं कर पा रहे दूसरा 600 मिलियन पीपल जो हैं वो अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में हैं दे आर इन गरीबी मेजर कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक जो भी हम पॉइंट्स लेकर चल रहे थे अब उनसे और ज़्यादा कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए करेक्शन करने की ज़रूरत है अब ये इन्होंने बात की देखी यहाँ परचेजिंग पावर की बात की गई है पावर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी मेड फ्रेश एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी तो यहाँ पे फ्रेश एस्टिमेट पॉवर्टी के लगाए गए हैं न्यू एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन यहाँ पे दैट इज बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको पीपीपी कहा जाता है जो अब टू पॉइंट वन फाइव डॉलर है पहले वन पॉइंट नाइन डॉलर हुआ करती थी उसके बाद कोविड नाइन्टीन हाँ तो यहाँ पे जो 2030 का गोल है वो हमें अचीव क्यों नहीं कर पा रहे दो रीजनस दिए एक तो मैंने आपको बताया कि कोविड की वजह से सेटबैक हुआ है दूसरा यूक्रेन वॉर ने भी बहुत सी चीजें पलट दी हैं जो धीरे धीरे हमारे आ, हम बेटर आउटकम्स आ रहे थे वो सब वापस ख़राब हो गया और बहुत ही रिवर्स हो गई जो प्रोग्रेस हो रही थी वो रिवर्स हो गई टू ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है आ, इट हैड हाँ बीन कट बाय देन हाफ और पॉवर्टी रिडक्शन स्लो हो चुकी है अगेन दिस आई टॉक्ड अबाउट यू ट्रेंड जो है वो 2020 में इंटरप्ट हुआ वी डिस्कस्ट दिस यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं जिनके थ्रू आप प्री कोविड प्रोजेक्शन और करंट प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं कि किस तरह से ग्रोथ फिर से स्लो डाउन हो गई अब ये डेटा देखिए इंपॉर्टेंट है 2020 का ही नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो लोग बिलो बी रह रहे थे बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे थे वो सेवेंटी मिलियन इंक्रीज हो गए क्योंकि आपने देखा ही ट्वेंटी में क्या हुआ लोगों का रोजगार किस तरह से डेली के काम के बेसिस पर चल रहा था जो लोग लेबर हैं पुअर लोग हैं वो डेली काम कर रहे थे और उस हिसाब से उनके पास पैसा आ रहा था कोई ऐसा तो नहीं है कि उनके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स थी तो कोविड में जब सब शट डाउन हो गया तो अगेन 70 मिलियन लोग आपके हैं कहेंगे वो बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए सो एज रिजल्ट एस्टिमेटेड 719 मिलियन पीपल सब्सिस्टेड ऑन लेस देन तो 719 मिलियन कितने पर डे उनको कितना पैसा मिल रहा था 2.15 पॉइंट वन फाइव डॉलर अ डे बाय द एंड थाउजेंड ट्वेंटी तो इनइक्वालिटीज भी यहाँ पे हो गई यहाँ पे रिच और पुअर को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो इनकम लॉस है फोर परसेंट फॉर द पुअरेस्ट फोर्टी परसेंट जो सबसे गरीब फोर्टी परसेंट स्ट्रेटा है आपका चार परसेंट इनकम लॉस डबल द लॉसिज ऑफ वेल्दियस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सो इनकम लॉसिस एवरेज फोर परसेंट फॉर पुअरेस्ट फोर्टी परसेंट डबल द लॉसिस ऑफ वेल्दीएस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इतना रिच लोगों को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना कि गरीबों की इनकम जिस हिसाब से कम हुई है क्योंकि वो तो एकदम बी पी एल बिलो पवर्टी लाइन जो है धकेले गए अगेन द प्रोजेक्शन आर प्री कोविड एंड करेंट प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं अब ये ग्लोबल पॉवर्टी की बात कर रहे थे इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऑब्वियसली इंक्रीज हुई है जब ग्लोब में इंक्रीज हो रही है तो रिपोर्ट में जो डेटा इंडिया के लिए यूज किया गया है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी से डेटा लिया गया है तो यही चीज मैं आपको बोल रही थी कि हमारे पास कोई ऑफिशियल एस्टिमेट्स पॉवर्टी के नहीं है जो भी अभी तक एस्टिमेट्स थे वो टू के थे सो वी एक्चुअली नीड अ न्यू सेंसिस नाउ तो रिसेंट जो हमारा सर्वे डेटा हुआ नेशनल सैम्पल सर्वे तो गवर्नमेंट ने उसको रिलीज नहीं किया क्योंकि डेटा क्वालिटी पे हमको भी भरोसा नहीं था तो इंडिया का साइज़ देखते हुए सर्वे डेटा देखते हुए हमारे को पॉवर्टी के बारे में पता होना चाहिए बट यहाँ पे अगर हमारे पास कोई और डेटा नहीं है तो गैप फिल कौन कर रहा है सी एम आई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकानमी इनके पास जो डेटा है उसने एटलीस्ट जो यहाँ पे गैप फिल किया है कुछ बताने में हेल्प किया कि इंडिया की पॉवर्टी के क्या हाल हैं अब सजेशंस क्या मेंशन किए गए इस रिपोर्ट में कि कैसे हम आगे स्पेसिफिक सजेशंस लेके कैसे चल सकते हैं पहले तो जैसे सब्सिडी हम देते हैं तो अगर हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स चूज करेंगे इंस्टेड ऑफ ब्रॉड सब्सिडीज मे बी इट इज़ अ कोर्स करेक्शन पब्लिक स्पेंडिंग स्पेंडिंग को प्रायोरिटाइज करेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए और मोबिलाइज करेंगे थोड़े से टैक्स रेवेन्यूज जो हैं जिससे गरीब लोग हर्ट ना हो उस तरीके से तो आई थिंक दीज आर द मेथड्स फॉर कोर्स करेक्शन जो हमारे 2030 के टारगेट्स हैं वो तो ऑलरेडी अब स्लो डाउन हो चुके हैं बट अगर हम कोर्स करेक्शन की बात कर रहे हैं सो दीज आर द वे फॉरवर्ड सजेशन विच आर मैंशनड इन द रिपोर्ट तो ये रिपोर्ट की मैंशन uh, की गई है बाकी देखिए अल्ट्रा कॉम्बैट टमोरो ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर इसमें एनरोल कीजिए बहुत एक्सा, एक्साइटिंग प्राइजेस टॉप फाइव रैंकर्स के लिए हैं और बाकी हंड्रेड लकी पार्टिसिपेंट्स के लिए आप देखेंगे बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बना सकते हैं रिमेंबर दिस कोड वीरो यूपीएससी और आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा सो डू कॉमेंट वीरोस सी इन द कॉमेंट बॉक्स बाकी आपको ढेर सारे यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के पढ़ा रहे हैं आप इनसे पढ़ सकते हैं जिससे भी आपको पढ़ना है फिलहाल ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर के लिए एक आपका सरप्राइज़ है अर्ली बर्ड प्राइज़ अगर आप जी का कोर्स लेना चाहते हैं इट्स फोर्टी फाइव थाउजेंड सेम कोर्स फॉर द सीसा ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर तक सेम कोड यू कैन यूज़ उसके बाद ये बैच हमारा ट्वेंटी अक्टूबर को शुरू हुआ है इसमें एनरोल कर सकते हैं कॉम्पीट चल रहा है सो यू कैन प्ले एंड लर्न और अगेन दिस इज अमेजिंग थर्टींथ नवंबर ये एक टेस्ट है जहाँ पे टॉप फाइव रैंकर्स को मौका मिलेगा एक आई एस ऑफिसर से मिलने का टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं अगेन रिमेम्बर द कोड वीरोससी मेन्स टेस्ट सीरीज एंड ऑप्शनल टेस्ट सीरीज और ई एम आई अगर आप मतलब एक साथ नहीं देना चाहते पैसे तो आप उनको इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है अपने दोस्तों को आप इसके बारे में बता सकते हैं जो आगे इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं दे कैन एनरोल बाकी दिस इज द टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे फॉर एनी क्वेरी इन दी टी एफ थैंक यू सो मच